तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव की मुनादी हो चुकी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में चुनावी रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए प्रमुख लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। 27 मार्च से शुरू हो रहे बंगाल चुनाव से ठीक पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक पुराने ट्वीट पर टिके रहने की भी बात कही है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा को 99 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। शनिवार की सुबह अपने ट्वीट में प्रशांत किशोर ने कहा, भारत में लोकतंत्र के लिए एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार है और अपने राइट कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रशांत किशोर ने अपनी इसी ट्वीट में पिछले दावे को भी याद दिलाया। उन्होंने 21 दिसंबर को किए एक ट्वीट के बारे में याद दिलाया, जिसमें उन्होंने दावा किया था बंगाल में बीजेपी की 99 से अधिक सीटें आई तो वह चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। उसी ट्वीट की याद दिलाकर प्रशांत ने शनिवार को कहा कि 2 मई को नतीजे आने के बाद आप मुझे मेरा पिछला ट्वीट याद दिला देना। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के 18 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को कंपनी आईपैक को हायर किया। प्रशांत किशोर का दावा ऐसे वक्त में किया जब हमेशा दावा कर चुके कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा के अगले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाएगी। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में मतदान संपन्न होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल, तीसरे चरण के तहत 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल, चौथे चरण के तहत 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल, पांचवें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल, छठे चरण के तहत 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल, सातवें चरण के तहत 5 जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल और आठवें चरण के तहत 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। 2 मई को वोटों की गिनती के बाद साफ होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में बाजी किसके हाथ लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।